Dear students, today we are going to understand a very contemporary issue that is related to your article section, COVID-19, a great threat to humanity. As I told you, this is a contemporary issue. We have to discuss it, and I'm sure enough that this question might be given in your upcoming examination. So you have to be ready. You have to understand today's article, particularly its basis, and it is up to you. You can remodel it, you can modify it in your own way, but you have to keep its soul intact. What I told you earlier, कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण इश्यू है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपके एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आने वाला है, इसको आप तय रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही बर्निंग इश्यू है अभी के समय में. कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 के बारे में हमें लिखने के लिए दिया जा सकता है आने वाले एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन में, तो उसके बारे में आप जान करके रहो, तैयारी करके रहो. और जैसा मैंने इंग्लिश में आपसे बातें की, आपको मैंने कहा कि इसको आप रूपांतरित कर सकते हो अपने भाषा में भी, अगर आप में क्षमता है तो आप चाहे तो थोड़े बहुत परिवर्तन ला सकते हो, सिंपल कर सकते हो. लेकिन मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपल एज इट कुड हैव बीन. जितना साधारण हो सकता था मैंने कोशिश किया है. वैसे भी आप सातवीं आठवीं के छात्र तो हो नहीं, आपकी एक लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड झलकेगा ही झलकेगा. हाँ, जब हम लोग पढ़े तो उसको बेहतर ढंग से समझे, इसका कोशिश करना है, इसकी कोशिश करनी है, और बेहतर ढंग से इसको समझिए, मुझे पूरा विश्वास है. और अगले क्लास के लिए रेडी रहिए, अगले क्लास में हम लोग लेटर पढ़ेंगे, और इन सारे राइटिंग स्किल्स को प्रॉपर ढंग से, और जितनी क्लासेस अभी हो रही है वो समकालीन है. कॉन्टेम्पोररी को हिंदी में हम लोग समकालीन कहते हैं. समकालीन मतलब जो अभी के लायक है, जो अभी चल रहा हो. तो देखते हैं आज की आर्टिकल क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसा आप हेडिंग में देख रहे हो, COVID-19 अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. कोविड, कई छात्रों ने मुझसे पूछा, सर कोविड होता क्या है, ये कोविड क्या है, हम लोग बार बार सुनते हैं कोविड कोविड. तो देखिए, शायद आपको याद होगा, एक बार और रिपोर्ट या लेटर वगैरह किसी चीज में मैंने लिखा है कोविड के बारे में. तो कोविड कोरोना वायरस, सीओ कोरोना, वीआई वायरस, डी मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज. और चूंकि ये चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई, चाइना का एक प्रांत है वुहान, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, और वो महीना था लगभग वही अक्टूबर नवंबर 2019 का ये महीना था जब वहां शुरुआत हुई इसकी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया COVID-19. तो मुझे पूरा विश्वास है आप समझ रहे हो कि कोरोना वायरस को ही हम शॉर्ट फॉर्म में COVID-19 कहते हैं. तो हेडिंग देखते हैं, COVID-19 अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. COVID-19 ह्यूमैनिटी मतलब होती है मानवता, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा. जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अभी की स्थिति में जब एग्जामिनेशन आपकी आने वाली है फरवरी मार्च में, तब तो स्थिति और गंभीर होने वाली है. ऐसा कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी के पहले अगर बहुत अच्छी स्थितियां रही तो, इफ वी आर फॉर्चुनेट एनफ देन वी शैल हैव सम वैक्सीन्स एंड देयर आफ्टर वी कैन से दैट नो वी आर प्रोटेक्टेड नाउ, बट टिल नाउ द सिचुएशन इज वेरी ग्रेव. वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली what causes of all the things which are happening in all around us. अब तो पहले लोग दूसरे के बारे में सुनते थे कि उसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया, अब तो आपके अपनों को कोरोना हो रहा है, आपके परिचितों को कोरोना हो रहा है. ये खतरा, this danger has started knocking your door. इस खतरे ने आपके भी दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया है. यानी कि अब जैसे भगवान कण कण में व्याप्त है, उसी तरह कोरोना कण कण में व्याप्त होने लगा है, हवा में, पानी में, हर जगह. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो देखते हैं क्या है, हमने क्या लिखा है वो देखिए.
COVID-19 और कोरोना वायरस डिजीज इज चाइनाज डेडली गिफ्ट टू वर्ल्ड। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में ही समझाया आपको, COVID-19 और कोरोना वायरस डिजीज, COVID-19 कह लीजिए, कोरोना वायरस डिजीज कह लीजिए, डिजीज मतलब बीमारी होती है, इज चाइनाज डेडली गिफ्ट। डेडली मतलब होता है खतरनाक, गिफ्ट मतलब तोहफा, उपहार। तो कोरोना वायरस डिजीज एक खतरनाक उपहार है। किसका, किसने दिया ये उपहार? चाइना, चीन ने किसको दिया? टू वर्ल्ड, दुनिया को। यानी COVID-19 या कोरोना वायरस चाइना के द्वारा दिया गया एक बहुत ही डेंजरस उपहार है। किसको? वर्ल्ड को। आउटब्रेक बिगेन एट वुहान इन चाइना। ये जो आउटब्रेक है, ये जो फैलाव है, वो शुरुआत हुई कहां पर? चाइना का एक प्रांत है, जैसे अपने यहाँ बिहार झारखंड है, उसी तरह एक इलाका है, एक प्रांत है वुहान, वहां से ये शुरू हुआ। और एंड स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड रैपिडली। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, स्प्रेड मतलब फैला, और बड़ी तेजी से, रैपिडली को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बहुत तेजी से। तो ये शुरू कहां से हुआ? वुहान से, चाइना में, और बहुत ही तेजी से विश्व भर में फैल गया। आफ्टर द चाइना दिस पैंडेमिक स्प्रेड इन ईरान, यूरोप, अमेरिका एंड मेजर पार्ट्स ऑफ एशिया। चीन के बाद पैंडेमिक, महामारी, महामारी हम किसको कहते हैं? जो विश्व स्तर पर फैला हो, वैश्विक बीमारी, जो किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं, जाति से या देश या राज्य से बंधा, विश्व के सब लोग जिससे प्रभावित हो, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो दिस पैंडेमिक स्प्रेड इन ईरान, यूरोप, अमेरिका एंड मेजर पार्ट्स ऑफ एशिया। मेजर मतलब प्रमुख होता है। यह चीन के बाद ईरान में, यूरोप में, यूरोप में आपने सुना होगा न्यूज, अगर आप सुनते हो तो, स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब जगह, और एशिया के बड़े हिस्से में ये फैल गया। टिल नाउ इट हैज टेकन द लाइफ ऑफ 500,000 ऑफ पीपल। अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन जब आपको ये आर्टिकल लिखना है एग्जाम में, तब तक मुझे पूरा भरोसा, इतने लोग तो मारे ही जाएंगे अभी तक में, मैं उस समय के हिसाब से। अभी तो 1-1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए, मारे गए हैं, तो लेकिन तब तक 500,000, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 500,000 यानी 5 लाख लोग मारे गए। तो हमको उस समय का ध्यान में रखना है। दिस इज पर्टिकुलरली एन एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज मतलब जो हवा से फैलने वाली बीमारी होती है, यह निश्चित रूप से हवा से फैलने वाली बीमारी है। हवा में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो हवा में मौजूद रहते हैं, और जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, या हमारे छिद्रों के माध्यम से भी वह हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। When someone sneezes, sneeze मतलब होता है छींकना, जब कोई छींकता है, When someone sneezes, then the droplets। अब आप कहोगे सर ये ड्रॉपलेट क्या होते हैं? जब आप छींकते हो तो जल बिंदु, जो पानी की कुछ बिंदुएं हैं, छींक के साथ निकलती हैं, तो उसमें कुछ हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं। हैवी ड्रॉपलेट्स यानी कि जो भारी होते हैं, तो जहां जिसने छींका उसको वहीं वो गिर गया कुछ एकाध फीट के दायरे में, लेकिन जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, विच आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई, दे स्प्रेड इन अ लार्जर पार्ट ऑफ दैट सराउंडिंग, कि जो वो आसपास का इलाका होता है वो दिखता नहीं है, भारी ड्रॉपलेट्स जो होंगे उसी से गिरेंगे, यानी छींकने के बाद, और जो सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, वो हवा में कुछ दूर तक तैरते रहते हैं। तो आप मान लेते हैं 7-8 फीट, 5-6 फीट पर भी खड़े हो और किसी को कोरोना उसने छींक दिया, तो वो जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे जो दिखाई नहीं पड़ रहे, वो जब आप सांस लोगे तो आपके अंदर घुस जाएगा। तो फिर से देखते हैं, व्हेन समवन स्नीजेस देन द ड्रॉपलेट्स एंटर द अदर्स बॉडी। जब कोई छींकता है तो वो जो ड्रॉपलेट है, वो जो नाक, क्या कहते हैं, छींक के साथ जो कण आते हैं, जल कण जो होते हैं, वो दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं। व्हेन समवन कफ्स, जब कोई खांसता है, देन इट आल्सो अफेक्ट्स अस।
तब ये इससे खांसी से भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो भी हमें प्रभावित, यानी छींकने वाले खांसने वाले लोगों से तुरंत ये फैल जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन थ्रू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहते हैं हिंदी में? श्वसन तंत्र, जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारे बॉडी में फेफड़े में वो चला जाता है और फेफड़े में वो घर बनाता है और फैलने लगता है। इन द लॉन्ग रन इट बैडली अफेक्ट अवर लंग्स। अफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, दैट इज नाउन, और अफेक्ट्स, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। तो इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, 5-7 दिन बीत गया, इट बैडली अफेक्ट्स अवर लंग्स। वही जो अंदर गया जब आपने सांस ली, वो जो कम थे छींक के द्वारा या कफ के द्वारा जब आपने सांस ली, तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा 7-8 दिन 10 दिन का होता है। इंक्यूबेशन मतलब कुछ दिन, जैसे नहीं चोर कहीं कोने में छिप जाता है, बैठा हुआ है, तब तक के इंतजार करेगा जब तक सब सो नहीं जाए ना, ठीक उसी तरह कोरोना का जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर जाके छिप जाएगा 5-7 दिन तक। हमें तो लगेगा हम तो स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अचानक से 7-8 दिन के बाद वो सडनली हम पर हमला करता है और हमारा लंग्स काम करना, जिससे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है, धीरे धीरे बंद कर देता है और लोगों की मौत हो जाती है। द अफेक्टेड पर्सन रेस्पिरेटरी कंप्लीटली कोलैप्सेस। जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने की जो क्षमता होती है, तो जो आदमी कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गया है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। इट रिजल्ट्स इनटू हिज डेथ। ऑक्सीजन वगैरह लगाया जाता है, लेकिन वो भी क्षमता अगर फेफड़े की खत्म की, वो खींच सकेगा तब तो वो खत्म हो जाए, तो कोई ऑक्सीजन कुछ भी लगाने से कोई फायदा नहीं, आदमी आखिरकार मर जाता है। देयर ए क्वेश्चन अराइजेस। तब एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या प्रश्न खड़ा होता है? हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस डिजीज, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज। की प्रश्न उठता है कि इस परेशानी से, इस बीमारी से हम खुद को बचा कैसे सकते हैं, देखते कैसे बचा सकते हैं। द आंसर इज टू वॉश अवर हैंड फ्रीक्वेंटली। जवाब यह है कि अपने हाथ को आप क्या करते रहो, वॉश करते रहो साबुन से, जो भी हो सोप, सबसे अच्छा तो साबुन पानी ही होता है, कुछ देर तक अच्छा से सुखाइए, और जब हाथ सूख जाए तो अगर घर में सैनिटाइजर, गीले हाथ में नहीं, सूखे हाथ में, तब फिर सूखने के बाद सैनिटाइजर लगा लिया कीजिए फ्रीक्वेंटली एंड सैनिटाइज इट ऑन द रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब क्या होता है? नियमित अंतराल, यानी रुक रुक करके घंटे दो घंटे पैसा करते रहिए, हाथ वगैरह धोते रहिए, खास करके जब बाहर से घर आइए तब ये सब काम जरूर कीजिए। एवरीबडी शुड वियर फेस मास्क। सबको फेस मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जब गए हो तो आपको पता नहीं कि किसको कोरोना है, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे क्या कहा कि लोगों के छींकने खांसने से, यानी उसके ड्रॉपलेट्स आपके, तो मास्क जो है वो आपको बचा करके रखता है। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, फेस मास्क मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली। कई लोगों को देखा होगा कि उनके मास्क का रंग उड़ गया है, एक ही मास्क खरीद लिया है और डेली बस एक फैशन बना लिया है, लोगों ने कह दिया है कि मास्क पहनना है, या बड़ी कड़ी पनिशमेंट प्रशासन दे रही है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, इसलिए चलो मजबूरी में डाल लिया। मास्क और हेलमेट एक जैसा हो गया, मजबूरी है इसलिए डाल लिया। अरे भैया, वो जो आप गंदा मास्क पहन रहे हो वो अपने आप में एक नए बीमारी को जन्म दे रहा है, इसलिए अपने मास्क को डेली साफ कीजिए, सुखाइए। वी शुड डू योगा एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस। हमें योगा करना चाहिए और जो फिजिकल एक्सरसाइज, जो बॉडी का जो और व्यायाम होता है, वो सब करना चाहिए टू एनहांस अवर इम्यूनिटी। जो हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी समझते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई लड़के लड़कियों को, कई लोगों को आपने देखा होगा, मौसम बदला, छींकने लगे, खांसने लगे, हाँ बुखार आ गई, जैसे मौसम बदला वो कहेंगे मौसम बदलता है, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी की ये क्षमता ही नहीं है कि मौसम के बदलाव को वो झेल पाए, और जिसमें ये क्षमता है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पर कोरोना का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जिसमें ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा मौसम बदला, तबीयत खराब हो गई, ये सब लफड़ा है, तब उनको सावधान रहना पड़ेगा,
उन्हें निश्चित रूप से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसे लोगों को बहुत जल्दी कोरोना अफेक्ट करता है। वी शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड, अवॉइड मतलब होता है बचना, हमें बाहर जाने से बचना चाहिए, जरूरी नहीं है तो जाना ही नहीं है, घर के अंदर रहना है। हाँ, जिंदा रहेंगे तभी ना बाहर जाएंगे, मरा हुआ तो ऐसे ही लोग बाहर ले जाकर के कहीं कहीं छोड़ाएंगे। तो वी शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड, हमें बाहर जाने से बचना चाहिए, इफ इट इज नॉट नेसेसरी, अगर वो जरूरी नहीं है तो हमें बाहर जाना भी नहीं चाहिए। वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, सोशल सामाजिक दूरी, यानी लोगों से कहीं अगर संयोग से जाना ही पड़ गया सब्जी खरीदने, किराना दुकान और कोई काम से, तो देखना चाहिए जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो वहां उतने लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, जब जहां लगे कि खाली है हम अपनी खरीदारी करें और भागे वहां से। तो वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हमें सामाजिक दूरी को बरकरार रखना चाहिए, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड, प्रिवेंट मतलब बचाना, हमें खुद को अफेक्टेड होने से बचाने के लिए, खुद को प्रभावित होने से बचाने के लिए जितना संभव हो सके लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए। मैनी वैक्सीन आर बीइंग टेस्टेड, बहुत सारे वैक्सीन, अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे वैक्सीन का टेस्ट चल रहा है। मैनी वैक्सीन आर बीइंग टेस्टेड बट देयर रिजल्ट्स आर येट टू कम, लेकिन उस वैक्सीन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है ये आने वाले 2-3 महीने के बाद ही पता चलेगा, यानी वी हैव टू वेट फॉर 2021, हमें 2021 का इंतजार करना ही पड़ेगा। कोई आपको कह देगा अगले महीने से ही आपको वैक्सीन लगने वाली है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद 2-2.5 महीने उसका असर क्या हो रहा है, जिसको दिया गया है पॉजिटिव असर हो रहा है, निगेटिव असर हो रहा है, असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सबको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और जब ये रिजल्ट निकाला जाता है वाकई इसका काम कर रहा है, इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है, तब आम आदमी के लिए वो मिलता है। तो ये अभी दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये सपना ही है, फरवरी तक एकदम सावधानी से बचना है। मैनी वैक्सीन आर बीइंग टेस्टेड बट देयर रिजल्ट्स आर येट टू कम, बहुत सारे वैक्सीन का टेस्ट चल रहा है लेकिन अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। टिल देन वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, तब तक हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सट्रीमली केयरफुल, एकदम सावधान रहना होगा। सावधानी क्या है वो पहले बताई गई है, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, लोगों के बीच में जाने से बचिए, जितना संभव हो सके घर से बाहर ना निकलिए, ये सारी चीजें, जितना इसमें केवल बचाव है, इसका कोई इलाज नहीं है, बात मानिए, कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है जिससे आप ठीक हो जाओगे, इसलिए जितना संभव हो सके खुद को बचाइए, जान है तो जहान है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।